सो so स्टूडेंट्स आज हम कैम थ्री जीरो वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन ए पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहला पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो होता है वो नैप्थलीन है तो इस लेक्चर में नैप्थलिन स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस करेंगे हम तो उससे पहले वट आर पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स वो कर लेते हैं तो पॉलीमीन्स मैनी और न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस द हाइड्रोकारबन्स हैव मोर देन वन एरोमेटिक रिंग आर नोन एज पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स दिस आर ऑल्सो कॉल्ड पी ए एच पॉली न्यूक्लियर पी फॉर पॉली न्यूक्लियर ए स्टैंडस फॉर एरोमेटिक एच फॉर हाइड्रोकार्बनस पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं इसको हम और ये पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं नंबर वन आइसोलेटिड एरोमेटिक रिंग्स जिन में हो दोज विच हैव आइसोलेटिड एरोमेटिक रिंग्स एंड दोज विच हैव फ्यूज एरोमेटिक रिंग्स तो आइसोलेटेड रिंग्स मीन्स आइसोलेटेड क्या होता है मतलब जो अकेले से पड़ी रहती है रिंग जैसे आइसोलेटेड एरोमेटिक रिंग्स का क्या एग्ज़ाम्पल है वो हैं आपके बाईफिनाइल या उसको आप डाइफिनाइल भी बोलेंगे देखिए ये भी एक फ़िनाइल ग्रुप है ये भी एक फिनाइल ग्रुप है और दोनों जो हैं वो एक पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड से आ, जो हैं वो दीज आर जॉइंट विद ईच अदर और या फिर और एग्जांपल हो सकता है डाई मिथेन जैसे ये वन कार्बन वाला मिथेन होता है ना सी एच फोर तो अगर दो हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय फिनाइल ग्रुप तो इसको बोलेंगे हम डाइफिनाइल मीथेन मिथेन तो यहाँ पे जो है दीज टू रिंग्स आर जॉइंट थ्रू अदर कार्बन एटम इसमें एक कार्बन एटम है बीच में और ये टू रिंग्स जो हैं दीज आर जॉइंट टुगेदर एंड uh, तो ये तो हुए आइसोलेटेड एरोमेटिक पॉलिन्यक्ुलर हाइड्रोकारबन्स और uh, जो आपके फ्यूज एरोमेटिक रिंग्स होती हैं फ्यूज में कौन से एग्जांपल आते हैं नैप्थलिन एंथ्रासन या फिनथरीन तो नेपथलिन जो है सिंपलेस्ट वन है जिसमें कि दो रिंग्स जो हैं दीज आर फ्यूज टुगेदर एट अल्फा पोजिशन ठीक है कंडेंस्ड uh, हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं इनको हम फ्यूज या कंडेंस्ड हाइड्रोकार्बनस ओके okay. एंड uh, uh, जो आपकी नेपथलिन है एंथ्रासन भी आपके सिलेबस में है और फिनेथ्रीन भी तो एंथ्रासीन में तीन रिंग्स होती हैं बेंजीन रिंग्स दैट आर फ्यूज लीनियरली विद ईच अदर और फिनेथ्रीन में भी तीन ही रिंग्स होती हैं लेकिन दीज आर फ्यूज एंगुलरली दीज आर फ्यूज एंगुलरली विद ईच अदर क्लियर हो गया तो पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले सिंपलेस्ट वन नैपथलिन करेंगे और व्हाट इज़ द नॉमन क्लेचर दो नॉमन क्लेचर है इसमें नेपथलिन में ये बहुत ही सिंपल नॉमन क्लेचर रहता है क्योंकि इसमें हमें सिर्फ आ, आपके नेपथलीन में कितने कार्बन होते हैं टेन कार्बन्स हैं नैपथलिन में कितने कार्बनस हैं टेन कार्बन्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन टेन कार्बन है ये जो जहाँ पे ये फ्यूज्ड होता है उसको नाइन्थ और टेंथ पोजीशन दी जाती है ठीक है फ्यूज्ड जहाँ से भी रिंग फ्यूज होगी उसको नाइन्थ और टेन पोजीशन दी जाती है इसमें और इसको और किस तरह से नेम कर सकते हैं क्योंकि नॉमन क्लेचर की बात कर रहे हैं नॉमन क्लेचर में ये सारी पोजीशन दीज आर द नेम्स ऑफ द पोजीशन कि अगर यहाँ पे कोई सब्सटिचुएंट लगा है है ना नाइन्थ और टेंथ पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होता है नाइन्थ और टेंथ पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं होगा जबकि आपके एट हाइड्रोजन मतलब सी टेन एच एट तो वो एच एट इज़ द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ सीट टेन एच एट इज़ द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ नेपथलिन तो एट हाइड्रोजन कहाँ कहाँ होंगे वन पोजिशन पे हाइड्रोजन है टू पे हाइड्रोजन है थ्री पे है फोर पे है फाइव सिक्स सेवन एंड एट पोजिशन पे है नाइन्थ और टेंथ पोजिशन पे हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी पूरी है इसकी और इसको जो है इस तरह से भी नेम किया जा सकता है बाय नंबर्स या फिर इसको अल्फा और बीटा पोजीशन करके भी नंबर किया जा सकता है जो अल्फ़ा पोजीशंस हैं वो कौन कौन सी होती हैं वन फोर फाइव एंड एट दीज पोजीशंस आर इक्वलेंट मतलब आप वन पोजीशन यहाँ से भी तो शुरू कर सकते हो अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो वन टू थ्री तो ये वाली पोजीशन फोर्थ आएगी और ये फाइव आएगी सिक्स सेवन एंड एट तो ये जो वन एट फाइव एंड फोर वन एट फाइव एंड फोर ये जो वन एट फाइव फोर पोजिशंस हैं दीज आर इक्विवेलेंट पोजिशंस तो इनको क्या नाम दे दिया एल्फ़ा पोजिशंस ठीक है जो भी इक्विवेलेंट पोजिशंस होंगी उनको क्या नाम दे दिया एल्फ़ा पोजिशंस बाकी जो बची टू थ्री सिक्स एंड सेवन ये बची ना ये देखिए अब यहाँ पे ये इस वाले में टू ये है थ्री सिक्स एंड सेवन यहाँ पे टू ये आ रही है थ्री सिक्स एंड सेवन तो ये इनको क्या नाम दे दिया ये भी इक्वलेंट है और इनको नाम दिया बीटा तो ये आइधर आप नंबरिंग से इनकी नेमिंग कर सकते हो या फिर अल्फा एंड बीटा से जैसे आपने देखा होगा कि नेप्थॉल जो होता है उसमें इस तरह से होता है और अगर ओ एच OH यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलते हैं अल्फ़ा नेपथथॉल नेपथलिन से आया है ना लेकिन ओल ग्रुप लगा हुआ है किस पोजिशन पे अल्फा पोजिशन पे तो इसको अल्फा नेप्थॉल बोलते हैं अगर ये ओ एच जो है वो आपका यहाँ लगा हो सेकंड पोजिशन पे ओ एच लगा हो जहाँ पे ये फ्यूज हो रहा है ना इसको वन पोजिशन लेंगे यहाँ पे हो तो इसको बोलेंगे बीटा नेपथॉल तो यहाँ पे दो तरह से नाम हुआ इसका दो आइसोमर्स हुए हम आइसोमेरिज्म भी कर रहे हैं ना तो अकॉर्डिंग टू इक्वलेंट पोजिशन के बेस पे इसके दो दो आइसोमर्स होंगे अगर ये मोनो मोनोसब्सटीच्यूटिड है नेपथलिन जो है जैसे यहाँ मोनो मोनोसब्सटीट्यूटिड है वन पोजीशन पे या अल्फा पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप लगा है तो इसका नाम क्या होगा वन ब्रोमो नेप्थलिन या अल्फा ब्रोमो नेप्थलिन ठीक है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है तो टू नेपथलिन सल्फोनिक एसिड या फिर आपका बीटा नेपथलिन सल्फोनिक एसिड ये इसका नाम है आ, इसके बाद जो अगर आपके दो सब्सटिट्यूंट लगे हैं तो उनको अल्फ़ा और बीटा करके नहीं हम नाम देते हैं जैसे यहाँ पे दो सब्सटीट्यूशन हो रही है ना ये वाली हाइड्रोजन भी सब्सटीट्यूट हो रही है क्लोरीन से ये वाली भी तो ये वाली तो आपकी क्या हुई वैसे तो हैं तो ये दोनों ही अल्फ़ा ही हैं जो सब्सटीट्यूट हो रही हैं लेकिन यहाँ पे हम अल्फा करके नहीं नाम देते हैं यहाँ पे सिर्फ हम जहाँ पे डाई सब्सटीट्यूशन होती है वहाँ पे हम सिर्फ डाई सब्सटीट्यूशन में हम सिर्फ नंबरिंग करते हैं यानी कि फ़र्स्ट पोजीशन पे है क्लोरो और फिर उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे क्लोरो है तो वन फाइव डाई क्लोरो नेपथथलिन है इसका नाम तो दिस इज़ नॉमन एंड आइसोमेरिज्म है ना तो फिर अगर डाई सब्सटीट्यूशन है तो उसके आइसोमर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ठीक है अगर दो सब्सटिट्यूंट डिफरेंट हैं ये तो सेम सब्सिट्यूएंट्स हैं अगर डिफरेंट सब्सटीचुएंट्स आते हैं तो देयर आर फोर्टीन आइसोमर्स होते हैं फिर उसके ठीक है और अगर मोनो सब्सटीट्यूटिड है तो उसके तो दो ही आइसोमर्स होते हैं या अल्फा आइसोमर होता है या बीटा आइसोमर होता है देन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ नेपथलिन कैसे uh, होती है देखिए हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेंजीन की भी की थी और नैप्थलिन की भी अभी हम करेंगे इसमें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं नैपथलिन की इस तरह से स्ट्रक्चर नंबर वन टू थ्री दीज थ्री स्ट्रक्चर्स थ्री आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नेपथलिन इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग है पूरी और ये जो दूसरी फ्यूज हुई है इसमें दो बॉन्ड हैं मतलब कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर टू के ऊपर डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर थ्री फोर के ऊपर है देन फाइव और टेन के बीच में है सिक्स सेवन के बीच में है और एट और नाइन के बीच में है डबल बॉन्ड ठीक है तो मेनली हमने देखना है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग कंप्लीट है और दूसरी इनकम्प्लीट है यहाँ पे जो सेक थर्ड है इसमें भी एक ही बेंजीन रिंग कंप्लीट है और दूसरी इनकम्प्लीट है बेंजीन रिंग में तो तीन बॉन्ड होने चाहिए ना तो ये देखिए अगर आप इस बेंजीन रिंग को देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग है इसमें भी एक ही बेंजीन रिंग है लेकिन अगर आप आप स्ट्रक्चर टू को देखें तो इसमें ये वाला डबल बॉन्ड इस रिंग ने भी शेयर किया हुआ है और ये वाला डबल बॉन्ड इस रिंग ने भी शेयर किया हुआ है तो देयर आर टू बेंजीन रिंग्स यहाँ पे इस केस में कितनी बेंजीन रिंग्स हैं टू बेंजीन रिंग्स हैं ठीक है तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि जो आपके तीनों स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड जो है वो इस तरह से कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल बॉन्ड कितने हैं वन टू तो, थ्री फोर फाइव डबल बॉन्ड है फाइव डबल बॉन्ड का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टेन इलेक्ट्रॉन्स हैं टेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड है नेपथिलीन में टेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सी टेन एच एट मोलिकुलर फार्मूला है और जो है इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से हो जाती है कि ये दीस डबल बॉन्ड कभी यहाँ आ रहे हैं कभी यहाँ आ रहे हैं क्लियर हो रहा है ना जैसे हम बंजीन में करते थे कि ये डबल बॉन्ड कभी यहाँ पे हैं तो इसकी रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसी होती थी कि अब ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया यहाँ आ गया और यहाँ मतलब समझ में आ रहा है ना ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन बेंजीन में हम क्या करते थे इस तरह से बेंजीन की है एक और दूसरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम क्या करते थे यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये डबल बॉन्ड इन छः कार्बन एटम के साथ है तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती थी बेंजीन की कि ये इस तरह से डॉटेड स्ट्रक्चर से हम शो करते थे तो यहाँ पे दो डॉटेड स्ट्रक्चर आएंगी बेंजीन रिंग की रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर में तो एविडेंसेस क्या हैं मतलब सबूत क्या हैं इन फ़ेवर ऑफ़ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कि यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी नेपथथलिन की तो उसके लिए आ, सबसे पहला एविडेंस है आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ तो देखिए अब बेंजीन में तो हम लोग क्या करते थे बेंजीन में हमारे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो आपका कार्बन नंबर वन टू यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन नंबर वन टू में डबल बॉन्ड है ठीक है और मतलब का, आ, हम ये नहीं बोल सकते कि ये सिंगल बॉन्ड है वन और टू में हम ये भी नहीं बोल सकते कि डबल बॉन्ड है ये इन बिटवीन रहता है तो कार्बन का और यहाँ पे भी टू और थ्री के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे भी इन बिटवीन रहेगा मींस आपके हर एक कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ जो है वो कैसी होती है सिमिलर होती है इन केस ऑफ बेंजीन इन केस ऑफ बेंजीन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कैसी होती है एक जैसी होती है आइडेंटिकल होती है जबकि इन केस ऑफ नेपथलिन जो है द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर नॉट आइडेंटिकल कैसे आइडेंटिकल नहीं है देखिए अब आप इस स्ट्रक्चर में देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर में ये सी वन और सी टू में डबल बॉन्ड है सेकेंड में भी सी वन और सी टू में डबल बॉन्ड है और थर्ड में सी वन और सी टू में सिंगल बॉन्ड है मतलब दो स्ट्रक्चर्स तो डबल बॉन्ड शो कर रही हैं और एक स्ट्रक्चर आपका सिंगल बॉन्ड शो कर रही है मीन्स सी वन और सी टू में डबल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा है डबल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा है तो आ, अगर डबल बॉन्ड करैक्टर ज़्यादा हुआ तो ये वाला बॉन्ड कैसा होगा वन और टू का शॉर्ट होगा शॉर्ट होगा सी वन और सी टू की बॉन्ड लेंथ कैसी है क्या है इसमें वन थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव पिकोमीटर होती है नेपथलिन में और आपका जो सी टू और सी थ्री है सी टू और सी थ्री सी फर्स्ट में भी सिंगल बॉन्ड है सेकेंड में भी सिंगल बॉन्ड है टू और थ्री में और थर्ड में डबल बॉन्ड है मींस इस टू और थ्री में सिंगल बॉन्ड करैक्टर ज्यादा है तो टू और थ्री का बॉन्ड कैसा हुआ लार्ज हुआ एज़ कंपेयर टू वन एंड टू तो सी टू और सी थ्री की बॉन्ड लेंथ क्या आई वन फोर्टी पॉइंट फोर पिकोमीटर आ रही है फ्रॉम एक्स रे स्टडीज से पता चलता है बॉन्ड लेंथ ठीक है तो यहाँ पे एक जैसी लेंथ नहीं है सभी कार्बन और कार्बन के बीच में नेपथलिन के केस में तो एक तो ये एविडेंस है कि क्योंकि दो स्ट्रक्चर जो हैं वो वन और टू की बॉन्ड लेंथ को शॉर्ट दिखा रहे हैं और एक स्ट्रक्चर जो है वो इसकी बॉन्ड लेंथ को सिंगल बॉन्ड दिखा रही है है ना तो इसलिए कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ से पता चलता है कि यही वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेपथलिन की हो सकती हैं जो कि इसको फेवर कर रही हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को और दूसरा एविडेंस है रेजोनेंस एनर्जी तो रेजोनेंस एनर्जी जो है नेपथलिन के केस में होती है रेजोनेंस एनर्जी टू फिफ्टी फाइव पॉइंट टू किलो जूल पर मोल ठीक है ये होती है और ये रेजोनेंस एनर्जी जो है वो हमने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ी है जहाँ पे हमने बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी की है तो और बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है वन फिफ्टी पॉइंट सिक्स वन फिफ्टी वन लिखते हैं ना हम उसको वन फिफ्टी वन पर मोल होती है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द बेंजीन तो अगर ये दोनों रिंग जो हैं वो बेंजीन ही होती दोनों रिंग अगर बेंजीन ही होती तो तो हमने क्या करना था कि रेजोनेंस एनर्जी का डबल कितना एक बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी इतनी है तो डबल कितना हुआ थ्री हंड्रड टू के करीब हुआ थ्री हंड्रड टू जूल जबकि ये रेजोनेंस एनर्जी लेस है देन दैट ऑफ द डबल ऑफ द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द बेंजीन इट मीन्स uh, इसका मतलब क्या हुआ कि जो uh, नैप्थलिन है दैट इज लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन दैट ऑफ द बेंजीन देखिए अब इसमें कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाई नेपथलिन गिव मोर एडिशन रिएक्शंस या नैप्थलिन अंडर गो एडिशनल रिएक्शंस मोर रेडिली देन देट ऑफ द बंजीन तो इसमें क्यों क्यों होते हैं वो क्यों देते हैं वो एडिशनल एडिशनल रिएक्शन ईजीली क्यों दे देते हैं क्योंकि वो उनकी जो रेजुनेंस uh, नैप्थलिन um, जो है दैट इज़ लेस रेजुनेंस स्टेबलाइज दैन बेंजीन मतलब कम स्टेबल होता है नेपथलिन तो इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव uh, है जो कम स्टेबल है चीज़ वो ज़्यादा रिएक्टिव है ठीक है तो इसलिए ये आ, कौन से रिएक्शन दे देता है ज़्यादा एडिशन रिएक्शंस देता है देन दैट ऑफ द बेंजीन नेपथलिन जो है तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि ये आपका जो है वो रेजोनेंस एनर्जी से भी पता चलता है कि यही वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी इसके क्योंकि देखिए ना अगर डबल होता अगर सीधा डबल होता तो तीनों में ये डबल रिंग आनी थी जबकि हमारे पास सिर्फ एक ही जगह डबल रिंग आ रही है बेंजीन की और यहाँ पे तो आपकी सिंगल रिंग आ रही है यहाँ पे भी सिंगल रिंग आ रही है दो स्ट्रक्चर्स में तो इसीलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो लेस हो जाती है देन दैट ऑफ द डबल से लेस होती है इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्लियर हो गया स्टूडेंट्स ये तो यहाँ पे हमने किया रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द नैप्थिलीन अब हम करेंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ़ द नपथलिन अब ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ़ बेंजीन भी हमने बड़ी डिटेल में फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है और यहाँ पे अगर बेंजीन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से आती है तो इसकी स्ट्रक्चर समझने में ऑर्बिटल स्ट्रक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि बेंज एक बेंजीन की जैसे होती है ना आपकी तो हम कैसे लिखते थे कि एक प्लेन में होते हैं सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ये हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन तो ये एक प्लेन में है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स और हर एक कार्बन जो है वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड होता है बेंजीन में एस पी टू हाइब्रोडाइज्ड कैसा होता है एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड एस पी टू हाइब्रोडाइज्ड मतलब तीन तो इसने बॉन्ड बना दिए एक इस हाइड्रोजन के साथ एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ लेकिन एक इसके पास पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहता है जिसमें कि वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो ऐसा ही हर एक कार्बन के साथ होता है ये भी एस पी टू हाइब्रडाइज्ड है ये भी एस पी टू हाइब्रोडाइज्ड है ये भी एस पी टू हाइब्रडाइज्ड है ये भी एस पी टू और ये भी एस पी टू हाइब्रोडाइज्ड है तो बेंजीन के केस में जब सिक्स इलेक्ट्रॉन आए तो सिक्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो आपका रहता है इस तरह से मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर वाले ऑर्बिटल या नीचे बिलो द रिंग या अब अब द रिंग जो है वो रहता है इन केस ऑफ द बेंजीन तो इस केस में भी आपका कुछ इसी तरह से है यहाँ पे अगर आप देखें तो हर एक कार्बन जो है वो कैसा है एस पी टू हर एक कार्बन जो है तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वन टू थ्री वन टू थ्री ये वाला कार्बन भी वन टू थ्री इस कार्बन ने एक इसके कार्बन के साथ बनाया है एक इस कार्बन के साथ बनाया है और एक इस कार्बन के साथ बनाया है यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन ने एक इसके साथ बनाया है एक यहाँ बनाया है और एक यहाँ बनाया है मतलब कार्बन जो दो कार्बन जो हैं वो Uh, मतलब तीन कार्बन के साथ uh, जो है सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और बाकी के जो एट हैं वो दो कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और uh, हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं एक हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं ठीक है तो इस तरह से एस टू हाइबाइज हैं सारे एस पी टू हाइब्रडाइज और एक एक यहाँ पे अनहाइब्रडाइज ऑर्बिटल है सबके पास यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और इन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं जितने कार्बन हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन अगर दस हैं तो टेन ही इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे अबव द रिंग एंड बिलो द रिंग ठीक है वैसे करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे और ये सारी के सारे दस के दस कार्बन हैं और ये जो आठ हाइड्रोजन हैं ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं सिंगल प्लेन में प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब एंड बिलो रहता है ठीक है और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये ये देखिए अगर आप इसको देख रहे हैं ना यहाँ पे ये वाला भी नहीं बनाया है इसको भी आप बना सकते हैं नीचे वाले ऑर्बिटल के साथ इस तरह से इस तरह से ऐसे ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो अगर आप देखें तो आ, ये देखिए ये किसकी शेप बना रहा है अगर आप यहाँ देखें तो ये यहाँ से ये और यहाँ से ये किसकी तरह बन रहा है ये एट नंबर की तरह बन रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड वैसा ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे भी होगा ये देखिए लोअर ये देखिए यहाँ पे क्या था ये ये अपर ऑर्बिटल्स का हमने सिर्फ अपर ऑर्बिटल के अपर जो ये लोब्स हैं उनको मिलाया है देखिए ऊपर वाले ऊपर वाले लोब्स को आप इसमें अटैच कर रहे हैं और इसके भी सिर्फ ऊपर वाले लोब्स अटैच हो रहे हैं हो रहे हैं ना अगर आप लोअर वाले लोब्स को अटैच करें तो वैसे ही एट अगेन बनेगा ये लोअर वाला लोब लोअर वाला ये लोअर वाले लोब हो गए अब इसके भी लोअर वाले लोब इस तरह से तो ये भी आपका एट की तरह शेप में आएगा ठीक है तो ये एट शेप में इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो हैं वो अरेंज uh, होते हैं तो दिस इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ द नैप्थलीन ठीक है अब आ जाता है नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ नैप्थलीन तो सिंथेसिस फोर मेथड्स हैं और इसमें आपको अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन तो जैसे अभी हम करेंगे फिटिक सिंथेसिस करेंगे हैवर्थ सिंथेसिस करेंगे या फिर आपकी डायल एल्डल सिंथिसिस करेंगे तो सिंगल सिंगल करके भी आपको पूछा जा सकता है कि ये वाला सिंथेटिक मेथड लिखिए है की सिंथेसिस uh, के लिए या फिर आपको uh, यह से पूछ लेंगे राइट डाउन एनी टू मैथड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैप्थलिन या एनी वन मैथड तो अकॉर्डिंगली आपने लर्न कर लेना है तो फर्स्ट मैथड है बाई पासिंग फोर फिनाइल ब्यूट वन इन जिस देखिए वन टू थ्री फोर फोर पे फिनाइल फोर फिनाइल और ये क्या है ब्यूट वन पे इन है फोर फिनाइल ब्यूट वन इन वेन इट इज पास्ड ओवर रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड दैन देअर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ठीक है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाती है एंड देन नेपथलिन इज़ फॉर्म्ड ठीक है नेपथलिन इज़ फॉर्म्ड हेयर साइक्लाइजेशन हो जाएगी ना हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे दो यहाँ से भी रिमूव होगा इवन यहाँ से भी रिमूव होगा हाइड्रोजन ठीक है वन वन यहाँ वाला हाइड्रोजन और यहाँ वाला हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे साइक्लाइजेशन हो जाएगी एंड एथलिन इज़ फॉर्म्ड तो फर्स्ट मेथड इज़ दिस एंड देन सेकंड मेथड जो है दैट इज़ फिटिक सिंथेसिस फिटिक सिंथेसिस में क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट दिस मेथड इन्वॉल्व साइक्लाइजेशन ऑफ फोर फिनाइल ब्यूट थ्री इन ओइक एसिड देखिए वन टू थ्री फोर फोर पे क्या ग्रुप लगा है फिनाइल ग्रुप है फोर फिनाइल ठीक है थर्ड थर्ड पोजीशन पे और ब्यूट है चार कार्बन का ब्यूट होता है थ्री पे इन लगा हुआ है थर्ड कार्बन पे इन है और है क्या ये ओइक एसिड है ठीक है ब्यूटेन ओइक एसिड है ना थ्री पे इन लगा हुआ है फोर फिनाइल ब्यूट थ्री इन ओइक एसिड इसकी साइक्लाइजेशन होगी साइक्लाइजेशन में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डीहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है मतलब वाटर का रिमूवल करता है वो और यहाँ से वाटर रिमूव होगा और साइक्लाइजेशन हो जाएगी सिंपल वाटर के रिमूवल से साइक्लाइजेशन हो गई रिंग जो है वो आपकी साइक्लिक uh, हो जाती है यहाँ पे और इसका जो आइसुमर्स है आइसोमे आइसोमेराइजेशन मतलब इसका आइसोमर क्या मतलब कि यहाँ वाला हाइड्रोजन जो है वो इस ओ के साथ यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा डबल बॉन्ड तो ये क्या बन गया नेपथॉल बन गया अल्फा पोजिशन पे है ओ ये अल्फ़ा पोजिशन होती है ना ये वाली ये वाली ये अल्फ़ा पोजिशंस होती हैं तो एल्फा नेपथॉल बन गया एंड देन आफ्टर रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट नैपथलिन इज फॉर्म्ड रिडक्शन से नैप्थलिन जो है वो आपका प्रोड्यूस हो जाता है दिस इज़ फिटिक सिंथेसिस फ्रॉम फोर फिनाइल ब्यूट थ्री इनोइक एसिड देन नेक्स्ट आ जाता है वर्थ सिंथेसिस तो हैवर्थ सिंथेसिस जो है दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ इन दिस आल्सो साइक्लाइजेशन टेक्स प्लेस इन इन बिटवीन द रिंग क्लोजर भी होता है इसमें इन बिटवीन द स्टेप्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ हैवर्थ सिंथेसिस क्या है बेंजीन बेंजीन का फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन होता है विद सक्सिनिक एनहाइड्राइड है ना ये होता, होता है ना सक्सिनिक एसिड क्या होता है सी एच टू सी ओ एच सी एच टू सी ओ एच जब एन हाइड्राइड बनता है तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है एच टू ओ और एन हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है तो सक्सिनिक एन हाइड्राइड जो है आ, ये आपका फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन से मतलब फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हमने बेंजीन के पढ़े हैं यहाँ पे असाइलेशन uh, होनी है फ्रिडल क्राफ्ट तो असाइल ग्रुप का एडिशन है ठीक है सी ओ सी एच टू ग्रुप का बाकी आर ग्रुप का एडिशन है इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रोस एल्यूमिनियम क्लोराइड ये रिएक्शन होगा और इस केस में यहाँ पे ये यह देखिए uh, uh, मतलब यहाँ से एडिशन uh, रहती है बेंजीन के साथ साइक्लाइजेशन तो इस वाले कार्बन से अटैच होगा ये यह, uh, यहाँ पे कार्बन के साथ फिर सी एच टू सी एच टू देन सी ओ और यहाँ पे ओ OH, एच क्योंकि यहाँ पे जो एच था वो रिमूव हो गया ना तो फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन हो जाती है एंड बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड पहले बनता है तो ये यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू दिस एसिड जो है है ना प्रोपियोनिक एसिड है ना लेकिन यहाँ पे बीटा बेंजोइल है देखिए ये ओइक एसिड है और है क्या प्रोपेन वन टू थ्री थ्री बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको या इसके विद रिस्पेक्ट एल्फा एंड बीटा बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड इज फॉर्म्ड एंड आफ्टर क्लेमेंजन रिडक्शन क्लेमेंजन रिडक्शन किसकी होती है सिर्फ ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है सीओ बॉन्ड की किसकी प्रेजेंस में होती है अमलगमेटेड जिंक एंड एस सी एल की प्रेजेंस में क्लीमिजन रिडक्शन होगी तो सी बॉन्ड की होती है सिर्फ सेलेक्टिव रिडक्शन होती है ये रिडक्शन uh, में ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो जाता है और हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है सी एच टू मतलब यहाँ पे गामा पे आ, ये थे ना अल्फ़ा बीटा गामा पोजीशन पे क्या बन गया फिनाइल ग्रुप गामा फिनाइल ब्यूटायरिक एसिड ये बी यू टी वाई है बी यू टी वाई ब्यूटायरिक एसिड है ये ठीक है ब्यूटायरिक एसिड इज़ फॉर्म्ड एंड देन साइक्लाइजेशन हो जाएगी पीछे भी हमने स्टेप में साइक्लाइजेशन की यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो जाएगा वाटर का रिमूवल के लिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है और रिंग क्लोजर हो जाता है इसमें यहाँ से रिंग क्लोज हो जाती है एंड द फॉर्मेशन ऑफ एल्फा टेट्राल इज़ देअर ठीक है और फिर उसके बाद अगेन क्लेमनजन रिडक्शन ये वाले कार्बन की सी ओ बॉन्ड की रिडक्शन हो जाती है क्लेमजन रिडक्शन सेलेक्टिव रिडक्शन है अमलगमेटेड जिंक की प्रेजेंस में और यहाँ से भी ओ चला जाता है और टेट्रालीन इज फॉर्म्ड आफ्टर दिस नेचुरली अब तो सिर्फ क्या रह गया हाइड्रोजन से ही रह गया एक्स्ट्रा जो कि आपने रिमूव करने हैं तो यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेशन करेंगे मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल किसकी प्रेजेंस में होगा Uh, यहाँ पे हम कैटलिस्ट प्लेडिनम और कार्बन uh, या फिर uh, सिलीनियम की प्रेजेंस में uh, नैप्थलिन की फॉर्मेशन हो जाती है इन द लास्ट स्टेप ऑन हीटिंग दिस टेट्रालिन विद द प्लेडिनम चारकोल क्लियर हो गया एवर्थ सिंथेसिस ये आपको लर्न करने पड़ेंगे डिफरेंट स्टेप्स एंड देन जो लास्ट रिएक्शन है दैट रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ नेपथथलिन वो है डाइल एल्डर रिएक्शन तो डायल एल्डर डायल एल्डर रिएक्शन में एक तो डाई इन होता है डाइल एल्डर रिएक्शन डाई इन से भी ये इसमें एक डाई इन रहेगा और डाई इन होना बहुत ज़रूरी है साइक्लोहेक्गजीन रहता है ठीक है एक तो साइक्लोहेक्गजीन और वन थ्री ब्यूटाडाइन की जब इसको हीट किया जाता है तो ये डायल एल्डर एडक्ट देता है जो यहाँ पे ये फॉर्म होता है ना अडक्ट क्या होता है एडक्ट होता है एडिशन प्रोडक्ट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है अडक्ट एडिशन प्रोडक्ट प्रोडक्ट का यू सी टी लिया है और एडिशन का ए डबल डी लिया है अडक्ट इज़ एडिशन प्रोडक्ट ऑफ इस केस में डायल एल्डर रिएक्शन में साइक्लोहेक्जीन और वन थ्री ब्यूटाडाइन का होता है ठीक है आ, तो देखिए अब यहाँ पे आ, किस तरह से होगा ये जैसे मान लो इस तरफ कोई इलेक्ट्रॉन ये वाले डिस्प्लेस हुए तो ये वाले डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा इन बिटवीन और यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड आ जाएगा और हीटिंग से आ, ये ये बन जाएगा ऑक्टाहाइड्रोनेपथलिन बन गया अब देखिए जब ऑक्टाहाइड्रो बन गया तो हमने तो हाइड्रोजन ही रिमूव करने हैं है ना पर सब उसमें इन बिटवीन हम लोग क्या कर देंगे कि इन बिटवीन यहाँ पे हम ब्रोमिनेशन करते हैं है ना एलाइलिक ब्रोमिनेशन करते हैं विद एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड इसको एन भी बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड की प्रेजेंस में फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाती है वन फोर ब्रोमो ऑक्टाहाइड्रोनेप्थलिन जो है वो बनता है इन बिटवीन एंड देन विद एल्कोहलिक के ओए एच ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक के ओए एच दिस वन फोर डाइब्रोमो ऑक्टाहाइड्रोनेप्थलिन जो है इसमें इसकी डिहाइड्रोजिनेशन uh, रिएक्शन होता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन तो वट इज दिस डिहाइड्रो हेलोजिनेशन Uh, मतलब हाइड्रोजन भी रिमूव होगा यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से ब्रोमीन यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बन गए ना एच बी आर रिमूव हो गया तो एल्कोहलिक के एच की प्रेजेंस में हो रहा है तो वाटर रिमूव होता है और के बी आर रिमूव होता है एच बी आर ना होकर वाटर और के बी आर मतलब एच बी आर अगर रिमूव हो तो वो के ओ एच के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा एक तो के बी आर बनाएगा और दूसरा वाटर बना देगा है ना तो यहाँ पे टू मोल्स ऑफ के बी आर एंड टू मोल्स ऑफ वाटर आर रिमूव्ड इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक के एच होता है ये तो टेट्रलिन बन गया और उसके बाद आपका टेट्रलिन आपका पीछे भी बना था प्लेटनम चारकोल के साथ हीट करके आ, यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन कर देते हैं और नैप्थलिन बन जाता है तो ये ये वाला स्टेप तो सेम ही है जैसे हमने पिछले में भी किया हैवर्थ सिंथेसिस में भी है ना लास्ट स्टेप तो ये सेम ही है जब टेट्रलिन बन जाता है और इसमें डायल एल्डर रिएक्शन में, में सबसे पहले आपके पास इन और, और डाइन का फ्यूजन होता है इन एंड डाइन डायल एल्डर रिएक्शन में इन और डाइन का जो है वो कंडेंसेशन होती है ऑन हीटिंग तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे Uh, thank you so much, students.